जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए ग्यारहवें तीर्थंकर श्री श्रेयांश नाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, रक्षाबंधन महापर्व की, विष्णु कुमार मुनिराज की, कंपनाचार्य इत्यादि सासु मुनिराजों की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजरंदो। आज का दिन महापर्व रक्षाबंधन महापर्व पर आप सभी लोग अपने गृहस्थ व्यवहारिक धर्म से समय निकाल करके यहाँ स्वाध्याय हेतु आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन श्रेयांश नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, जो ग्यारहवें तीर्थंकर थे और उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। आप सभी को मुबारक हो। रक्षाबंधन महापर्व की जो कथा जगत में प्रसिद्ध है, वह कथा तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, परंतु जो बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसके साथ ही जिन धर्म में एक आगम से निकली हुई, भगवान की वाणी से निकली हुई एक सत्य कथा है, विष्णु कुमार मुनिराज ने किस प्रकार से कंपनाचार्य इत्यादि सासु मुनिराज के उपसर्ग को दूर किया था। उपसर्ग के दूर करने के उपरांत उन लोगों का आहार इत्यादि हुआ था सभी मुनिराजों का। उस दिन से श्रावक गण मुनिराजों के लिए अरिहंत भगवानों के मंदिरों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते चले आ रहे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल बहन ही भाई को बांधे, रक्षा का सूत्र के हम जो योग्य हैं, समृद्ध हैं, वह अन्य जीवों की रक्षा का संकल्प लें कि जो उनसे छोटे हैं, मूक हैं, या जो स्वयं अपनी रक्षा किन्हीं व्रतों के कारण से या अन्य कारणों से नहीं कर सकते, तो उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व अन्य जीवों पर आता है। तो इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनिराज ने भी 700 मुनिराजों के ऊपर जब घोर उपसर्ग हुआ, उसको दूर किया, उनके ऊपर जब अग्नि लगाई गई एक आताताई मंत्री के द्वारा, तो उससे बचाया। तो ऐसा कभी भी हम कहीं पर भी अन्याय होते हुए देखें, तो भले ही हमने रक्षा सूत्र बांधा है या नहीं बांधा है, फिर भी जिनको हम नहीं भी जानते हैं उनके ऊपर यदि अत्याचार हो रहा है, तो उसको यथासंभव बचाने का प्रयत्न करें। ऐसी ही जिनेन्द्र भगवान का कथन है, तो हमें भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। उत्तम मध्यम जगन्य के अनुसार हम अन्य जीवों की रक्षा कर सकते हैं। उत्तम श्रेणी के जीव मुनि महाराज इत्यादि कहे गए, मध्यम श्रेणी के जीव जो मुनि महाराजों से कम, जिन्होंने व्रत इत्यादि लिए हैं, श्रावक सृष्टि इत्यादि, जगन्य में साधर्मी बंधु, ऐसे जीव जो अन्य जीव को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, जो दुराचारी हैं, दुष्ट लोग हैं, उनकी भी रक्षा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, उनको सन्मार्ग पर लेकर के आना चाहिए। किसी ने कोई दुष्टता की है, कोई बुरा नेचर का व्यक्ति है, उसका चरित्र खराब है, सीधे जाकर के उसका वध कर देना, उससे पहले उसको समझाना जरूरी है,
कि जरूरी नहीं है कि आप पापी का वध कर दें, पाप का वध करें, कि उसके अंदर जो पाप छुपा हुआ है जिस कारण से वह बुरा आचरण कर रहा है, तो पहला प्रयास क्या करना चाहिए कि उसके पाप को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पापी का वध करने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, समाधान नहीं निकलेगा। एक पापी जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो अच्छे व्यक्तियों को क्या चाहिए, इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने भी, जिन्होंने उपसर्ग किया था उनको खत्म नहीं कर दिया, समझ रहे भाई साहब। वो चाहते विष्णु कुमार मुनि अपनी जो उनको विक्रिया रिद्धि थी उसके माध्यम से जिन्होंने उपसर्ग किया है उनको तुरंत समाप्त कर देते, परंतु ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां पर उनको शिक्षा प्रदान करी कि वह स्वयं ही आत्मलाभ करें, आत्मबोधि करें कि उन्होंने गलत कार्य किया है और क्षमादान माना। ऐसे ही हमने पहले भी प्रसंग देखा था अग्निभूति और वायुभूति का, उनको जाकर के मार नहीं डाला था कि तुमने गलत किया है तो हम तुम्हें विद्याओं के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से मत कर, उनको शिक्षा दी कि तुमने गलत कार्य किया है। उसके बाद उन्हें वापस सन्मार्ग पर प्रेरित किया। ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पर शिक्षा लेनी है। यह कायरता नहीं है। कई लोग इसको ये समझ लेते हैं कि कायरों का लक्षण है कि माफ़ी मांग लो और वध नहीं करो, अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो जाओ और सीधे उसको मार डालो। यह तब जाकर के करना चाहिए जब बिल्कुल है ना सारे रास्ते बंद हो जाए, वो बार बार आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या फिर कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे धर्म की हानि हो रही है, बहुत अंत में जाकर के वह विकल्प आता है। उससे पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, उन्हें सन्मार्ग, पाप को समाप्त करना है, पापी को समाप्त नहीं करना है। आप लोगों के लिए हमारे अभिषेक गुरु जी इस स्वाध्याय की कक्षा के बाद सभी गुरुकुल के बच्चों के लिए प्रेरणादायक रक्षाबंधन की पूरी कथा, विष्णु कुमार मुनिराज की कथा आपके समक्ष पूरी सुनाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। और आप लोगों को पूरा प्रसंग सुनना चाहिए और उसके अनुसार फिर वर्तमान समय में अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए कि हमें भी जितना संभव हो अन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। मुनि महाराजों के ऊपर कोई भी उपसर्ग इत्यादि आ रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आज के दिन श्री हंसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महामहोत्सव, हम लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक की कक्षा में हमने देखा किस प्रकार से कौतूहलवश प्रद्युम्न कुमार अपने परिवार में पहुंचा है, द्वारका नगरी में पहुंचा है, और वहां पर किस प्रकार से विद्याओं के साथ में कौतूहल विनोद कर रहा है। आज का स्वाध्याय आगे बढ़ेंगे, उससे पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मो स्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शाशिनम जैनम जयतु शाशिनम जैनम जयतु शाशिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। जो भी बच्चेगण बाहर झूला झूल रहे हैं वे भी आ जाएं और अच्छे से स्वाध्याय की कक्षा में बैठें। बच्चों बड़ों और सबको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। चलिए, प्रद्युम्न कुमार भी बच्चा ही है तो बच्चों के साथ में उसका प्रसंग सुनने में आनंद आता है। 16 साल का बच्चा है प्रद्युम्न कुमार।
16 साल में, अभी वर्तमान में भी कैसी उम्र होती है, नाबालिग बोलते हैं, 18 का नहीं हुआ, भले ही कोई बहुत शक्तिशाली हो जाए फिर भी उसको नाबालिग ही कहा है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें उद्दंडता रहती है, विवेक कम रहता है, भले ही 16 साल में उसका विवाह करा दिया जाए फिर भी थोड़ा बहुत उसके अंदर क्या रहेगा, विनोद प्रिय होता है, लड़कपन रहता है, आनंद के साथ वह अपना जीव अपना समय व्यतीत करता है। एक प्रसंग और आया था कल के स्वाध्याय में, बता रहे थे कि किस प्रकार से पहले के जीवों की आयु बहुत ज्यादा होती थी, भले ही आयु करोड़ों वर्षों की भी रहो किसी मनुष्य पर्याय के जीव की, या 10-20 साल की हो, 50 साल की हो, 100 वर्ष की हो, वर्तमान में लगभग 100 वर्ष तक अधिकतम आयु प्रायकाल पाई जाती है, परंतु एक चीज अनादि काल से चली आ रही है कि गर्भ का समय 9 मास का ही रहेगा। क्या समझे माताओं लोग, भले ही 1000 वर्ष की आयु है श्री कृष्ण जी के काल में उस समय के मनुष्यों की, परंतु जब वह जीव गर्भ में रहता है तो 9 मास ही आता है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, ऑपरेशन करा लिया तो थोड़ा 1-2 महीने पहले भी हो जाता है, थोड़ा 2-4 दिन बाद में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 9 महीने ही सामान्यतः रहते हैं, समझ रहे हैं? हमने कल देखा था किस प्रकार से पूर्व में आयु थी करोड़ों वर्ष से भी ज़्यादा, तब भी जो जीव गर्भ में माता के रहेगा वो 9 महीने ही, आज के समय के हिसाब से जो वर्ष में 9 मास होते हैं उसी प्रकार से रहता है। जो सूर्य का चक्र होता है उसके हिसाब से 24 घंटे का एक दिन माना जाता है, एक सूर्य के बाद जब अगले दिन का सूर्य हमें दिखाई देता है उतनी देर तक की जो समय अवधि है उसको एक दिन माना गया, इस प्रकार से एक माह, उस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते 9 माह, तो उस प्रकार से रहता है। तो यहां पर प्रसंग चल रहा था कि वह प्रद्युम्न कौतूहल करते हुए पहले सत्यभामा के सरोवरों को नष्ट किया, उसके उद्यानों को नष्ट किया, भानु कुमार जो उसका पुत्र है उसको परेशान किया, और उसके बाद अंत में कहाँ पहुँचा, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के महल में जा पहुँचा, अपने दादा के यहाँ। अब उसने अपनी विद्या से जाना कि हमारे दादाजी को क्या शौक है, उनकी वो इच्छा पूरी करते हैं, पता करते हैं ना कि भाई जिसके घर में मिलने के लिए जा रहे हैं उनको क्या पसंद है। आजकल तो प्रचलन क्या है, शराब पसंद है, कौन सी ब्रांड की है उत्तम जी, कौन सी ब्रांड की पसंद है, भूल गए, देसी, अच्छा भूल गए, पीते हो नहीं पीते, जीवन में कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, अच्छा गुटखा खा लेते हो कभी कभी, कौन सी ब्रांड का, राजश्री, अरे वाह। तो आपसे कोई मिलने आएगा तो कैसे खुश होंगे कि राजश्री वाला गुटखा लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे ही वसुदेव को क्या पसंद था, उन्हें मेड़ों का युद्ध देखने में आनंद आता था, विद्या से जान लिया। तो प्रद्युम्न कुमार ने सोचा कि चलो दादाजी को मेड़े लेकर दिखाए जाएं, एक जानवर होता है मेड़ा भेड़े जैसा, तो उससे प्रसन्न हो जाएंगे दादाजी हमारे। अब वो लेके तो गया मेड़ा, और दादाजी ने पूछ लिया पितामह ने कि भाई किसका है, क्यों लाए हो। प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि हमने सुना है कि आपको बहुत पसंद है मेड़े, और आज तक इसको कोई भी हरा नहीं पाया है, अजय है, आप चाहो तो इसकी परीक्षा
ले सकती हो। वह विद्या से निर्मित मेड़ा है, कोई असली त्रियंच तो है नहीं। फिर भी दादाजी ने कहा, वसुदेव ने, कि ऐसी बात है तो हम इतने बलवान हैं, उनको अपनी शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान था कि छोटा सा मेड़ा, छोटा सा जानवर क्या करेगा। कभी देखा है ना आपने, जैसे बकरा होता है, जैसी कोई भी मनुष्य सामने जाता है तो वो सींग से मारता है, ऐसे यहाँ पर नील गाय का बच्चा है, जैसी सामने जाओगे ऐसे ऐसे करके वो सर से मारने का, लड़ने का प्रयास करती है। ऐसी सांड होता है, सांड भी ऐसे मारता है सामने से, कोई सामने आता है। तो ऐसे ही वसुदेव ने परीक्षा लेने के लिए कहा, देखते हैं तुम्हारे मेड़े में कितना बल है, चाहो तो इसको हमारे ऊपर, हमारी जंघा से टक्कर लगाओ। प्रद्युम्न ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आप मेरे दादाजी हो, मनी मन सोच रहा है मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर ऐसा कर दिया तो जो आपके यहाँ पे सेवकगण बैठे हैं, अगर आपको चोट लग गई, हानि पहुँच गई, तो ये मुझे मृत्युदंड दे देंगे, मुझे उसूली बचड़ा देंगे कि मैंने उनके राजा को मेड़े से टकरा दिया और उनको घायल कर दिया, मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तब वसुदेव ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, अगर मुझे कोई हानि पहुँच भी गई तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम करो। वसुदेव ने ऐसा क्यों कहा? उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मेड़ा ही टक्कर लग के घायल हो जाएगा, क्योंकि हम इतने बलशाली हैं, हमारा शरीर तो वज्र के समान है, लोहे जैसा है, इतना इसको हमने बलशाली बनाया है, पुण्य से भी मिला है ऐसा शरीर, और हमने खूब योगाभ्यास किया है, तो हमारा शरीर बहुत बलशाली है, ये मेड़ा हमारा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास था, इसलिए कह दिया कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम आओ और इसको हमारे ऊपर चढ़ा दो। फिर क्या था, जब दादाजी का आदेश मिल गया तो प्रद्युम्न कुमार ने उसकी रस्सी खोल दी, जाओ बेटा, इशारा किया, ट्रेंड था विद्या से, और वो जाकर के वसुदेव से टकरा गया, सीधे टकराते, इतनी जोर की टक्कर मारी कि वसुदेव का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। कहाँ श्री कृष्ण के पिता, कहाँ द्वारकाधीश के पिता, नारायण के पिता, और कहाँ देवकी के पति, क्या हुआ उनका, मूर्छित हो गए एक ही बार में, एक मेड़े से मूर्छित हो गए। और कहाँ कितने कितने युद्ध जीत करके आ चुके थे, बड़े बड़े बलशाली लोग उनसे हार मान चुके थे, अभी भी ऐसा नहीं था कि बूढ़े हो गए थे। कल आपको बताया था कि जैसे आज बताया गर्भ समय 9 मास का है, तो ऐसा नहीं है कि 1000 वर्ष की आयु है तो 400 वर्ष की आयु के बाद बूढ़े होने लग गए, अंत में जाकर के बूढ़े होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर 1000 वर्ष की आयु है तो 500 वर्ष के बाद बिल्कुल शरीर लटक जाएगा भाई, 950 वर्ष के बाद जाकर के बूढ़े होंगे। अब किसी की राम की आयु हमने बताई थी, भगवान राम के समय में 18000 वर्ष की आयु थी उनकी, तो ये थोड़ी है कि 9000 वर्ष की आयु के बाद बूढ़े हो जाएंगे, या फिर आज के समय के हिसाब से 70 साल के हुए और उसके बाद बाकी की आयु 17900 वर्ष की बुढ़ापे में निकालेंगे, ऐसा नहीं है। बुढ़ापा तो अंत में जाकर के आएगा, धीरे धीरे आकर के आएगा, ये बात सत्य है, शनै शनै आएगा बुढ़ापा, प्रति समय आ रहा है। एक तत्वार सूत्र में सूत्र है जैन न्याय का, उत्पाद व्यय द्रव्यम, सत सत द्रव्य लक्षणम, बोलो आप लोग, उत्पाद व्यय द्रव्यम सत। जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, कोई भी वस्तु आप हमें देख पा रहे हैं, कौन सी इंद्रिय से देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय से, नेत्र से,
आप हमें सुन पा रहे हैं, ये कौन सी इंद्रिय से सुन रहे हैं? कर्ण इंद्रिय से, कान से। उत्पाद माने उत्पत्ति हुई, व्यय माने व्यय हो गया, द्रव्यम माने द्रव्यता बनी रही, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गुण हमेशा बना रहा। उत्पाद माने कोई भी वस्तु की उत्पत्ति हो। आप लोग महिलाएं हैं, रक्षाबंधन है आज, सोना चांदी आप लोग पहनते हैं, है ना, अंगूठी है, जब उसकी जरूरत पूरी हो गई, पुरानी हो गई, बेकार हो गई, हार की जरूरत पड़ी, अंगूठी को सुनार को दे दिया कि इसका सोना गला करके हमें हार बना दो। उत्पाद माने उत्पन्न हुआ, क्या बना नया, क्या बना हार बना। नष्ट क्या हुआ, अंगूठी नष्ट हो गई, व्यय हो गया उसका। द्रव्य दोनों में क्या रहा, दोनों में सोना स्वर्ण उतने ही रहा, तुलवा लो, उतने तोला उतने ग्राम दोनों में रहा, स्वर्णपना दोनों में रहा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे इस संसार का सृष्टि का सारा ज्ञान हो जाता है एक सूत्र। बड़े बड़े विद्वानों ने इस सूत्र की व्याख्या करी, बहुत आसान सूत्र है। आपका हमारा सबका हम शरीर देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं, नेत्र से, चक्षु से, हैं? अंदर क्या है इसके, आत्मा है। ऊपर से क्या है, क्या है ये जो दिख रहा है, शरीर है। आप लोगों का महिला का शरीर है मनुष्य पर्याय में, इधर जो लोग बैठे हैं सज्जनगण, पुरुष का शरीर है मनुष्य पर्याय। बाहर बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, उनका किसका शरीर है, जानवर की, पशु की पर्याय में, पक्षियों का, पक्षी की पर्याय में, त्रिंज का शरीर है। अंदर सबके क्या है, आत्मा है। एक शरीर नष्ट हुआ, आयु पूरी करी, पूरी कर ली, मर गए, जला दिया, तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा, जैसे कर्म करे होंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना अभिषेक भैया जी? एक आयु पूरी करी, तुरंत दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो व्यय क्या हुआ मरने पर, पिछला शरीर, जैसे पिछली अंगूठी थी ना वो समाप्त हो गई थी, ऐसे ही पिछला शरीर व्यय हुआ। उत्पाद क्या हुआ, नया शरीर। द्रव्य क्या हुआ, दोनों शरीरों में द्रव्य क्या रहा, दोनों में क्या बना रहा, शरीर में सोना थोड़ी है, उदाहरण बदल गया, दोनों में क्या बना रहा, आपकी आत्मा, आपके नए शरीर में आपकी आत्मा, उत्तम जी के शरीर में उत्तम जी की आत्मा, राजश्री गुटका साथ नहीं जाएगा, ठीक है ना, आत्मा ही शरीर के साथ जाएगी बेटा अगले शरीर में, ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा मनोरंजन होते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना, मन लगा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझना आसान हो जाता है हंसी मजाक से, ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा उत्तम जी, ठीक है। तो अगले शरीर में भी वही आत्मा गई जो पिछले शरीर में थी। मृत्यु कैसे हुई, जैसे ही जीव का उत्पन्न होना हुआ, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ही पैदा हुए उसी क्षण से आचार्य महाराज कह रहे हैं प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रति समय। आप युवा हुए, आपने देखा आप युवा हुए, एक दिन पहले से युवा हुए कुछ ऐसा लगता है, एक घंटे पहले से युवा हुए या बूढ़े हुए, प्रति समय शनै शनै हम बूढ़े हो रहे हैं, पैदा होते ही उसी क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु में
ये मान लीजिए हमारे हाथ में एक पेन है, ये अचानक से नष्ट होगा क्या? इसको कहीं फेंक देंगे, प्रति समय ये उसकी आयु पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है? इसमें परिवर्तन हो रहा है, क्षीणता आ रही है। कोई भी आपने भोजन बनाया वो चार घंटे में आपने कहा खराब हो गया, कैसे खराब? हर समय सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में उसमें परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ व्यय हो रहा है, और उसके अंदर कुछ द्रव्य हमेशा बना हुआ है। जैसे कि सोने में स्वर्णपना बना हुआ था। आप अंगूठी को हार मत बनाइए, उस अंगूठी को कहीं पर फेंक दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, 100 वर्ष बाद वैसी की वैसी मिलेगी क्या? कुछ घिस जाएगी, कुछ उस पर ऐसी चीजें लग जाएंगी, या तो पूरी नष्ट हो जाएगी या थोड़ा बहुत घिसा पिटा अंश मिलेगा। लोहा है, आपने उसको कहीं फेंक दिया, 6 महीने 1 साल बाद वैसा ही मिलेगा क्या? जंग लग के मिट्टी बन के खत्म हो जाएगा। कैसे हुआ? कुछ उत्पाद हो रहा है, कुछ व्यय हो रहा है, और उसका जो स्वर्णपना था वो वहीं पर किसी ना किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो गया, सोना उसमें बना रहा, परंतु जिस रूप में वो अंगूठी थी उस रूप में नहीं रही। ऐसे ही ये जो बुढ़ापा है, उदाहरण आया तो सूत्र आपको बता रहे हैं, बहुत गंभीर सूत्र है। कभी भी आपको लगे ये जीव बूढ़ा हो गया, मर गया, वो धीरे धीरे करके जिस दिन से उसका जन्म हुआ था उसी दिन से उसने बुढ़ापा अंगीकार करना प्रारंभ कर दिया था। सत द्रव्य लक्षणम, प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है यह जो सत है। और सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, यह सत्य है, यह हर द्रव्य का लक्षण है। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव माने आत्मा, आत्मा के ऊपर भी बार बार नया नया शरीर आएगा, पिछला शरीर चला जाएगा, आत्मा हमेशा रहेगी। उद्गल चाहे सोना है चांदी है, ये शरीर है ये पेन है, कुछ भी चीजें जो पंचेंद्रिय से दिखाई दे रही है सब उद्गल है, वस्तुएं जितनी भी पदार्थ जितने भी वो पैदा होंगे नष्ट होंगे, उनके अंदर जो उस उद्गल का अंतिम द्रव्य होगा वो हमेशा बना रहेगा, परंतु उसकी पर्याय बदलती रहे। जो आपके बच्चे का रूप है 10 साल बाद वैसी शक्ल रहेगी क्या? वैसी ही हाइट रहेगी क्या? वैसा ही बलशाली रहेगा क्या? मतलब हर समय वो बड़ा हो रहा है, हर सेकंड। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप पिछली फोटो 10 साल पुरानी देखोगे, 20 साल बाद 10 साल बाद देखोगे, अरे बड़ी जल्दी बड़ा हो गया। एकदम से एक समय में बड़ा नहीं हुआ है, प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है। पिछला शरीर वो छोड़ रहा है, नया शरीर वह ग्रहण कर रहा है। तो ऐसे ही वसुदेव भी हैं, प्रद्युम्न भी है, जो 16 साल के हो गए हैं, बूढ़े नहीं हुए अभी, परंतु बल हो सकता है थोड़ा शरीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यह सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे, कोई भी अचानक से मरण को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई दादाजी आपके चले गए, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, घर में कोई भी चला गया, वो हर समय मरण को, हर समय ही जैसे ही जन्म हुआ था उसी समय से वह पर्याय और द्रव्य की दृष्टि से आगे देखोगे, प्रति समय मर रहा था। वो जो उसका बचपना था, जो 6 महीने का बच्चा था, वह आज है क्या? मर गया ना, उसकी जो पर्याय थी तब तो दुख नहीं मनाया।
जिसको उठा करके खेलते थे, दुग्ध पान कराते थे, अब वह इतना दुष्ट हो गया है कि आपकी सुन भी नहीं रहा है, है ना। तो उसकी पिछली पर्याय का तो मरण हो गया, नई पर्याय पैदा हो गई युवावस्था में। तो उस दृष्टि से यदि देखेंगे तो कभी भी दुख नहीं होगा। ऐसे ही जब उसकी पर्याय, जब उसने आयु पूरी कर ली अपने आयु कर्म से, आठ प्रकार के कर्म में जब आयु कर्म पूरा हो गया तो उसकी ये वाली पर्याय बिल्कुल लास्ट स्टेज पर थी। तो उसने तुरंत ही, उसकी आत्मा ने अगला शरीर ग्रहण कर लिया, पिछली पर्याय समाप्त हो गई। सांप के बारे में सुना है ना, अपनी कैंचुली बदल लेता है, अपनी कैंचुली अपना शरीर छोड़ता है, नई कैंचुली नया शरीर उसे मिल जाता है, तो रोना थोड़ी होता है। तो ऐसे ही मरण के समय मात्र पर्याय बदल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा। आत्मा वही है, वही आत्मा अपना नया शरीर ग्रहण कर लेती है, उस आत्मा को अपना नया परिवार मिल जाता है। आप जैसे घर बदलते हैं, नया घर ले लिया तो पुराना घर छोड़ना पड़ता है ना, कई लोग तो स्वयं के हाथों से ही उस पुराने घर को तोड़वा देते हैं, नया घर बनवाते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, नया स्कूटर खरीदते हैं, नए वस्त्र खरीदते हैं, नई सब्जियां बनाते हैं। तो जब उनसे मोह नहीं है तो फिर इस शरीर से क्यों मोह है। इसीलिए कहा कि मोहनी कर्म का त्याग करो, परिग्रह का त्याग करो, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक ये मह मोह पीछे जाता है। तो यदि अपने मन वचन काय से जितना कम मोह करोगे, जितना कम परिग्रह करोगे, उतनी जल्दी जब ये शरीर छोड़ोगे तो आत्मा मोक्ष की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा मोह करोगे इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई पर वस्तुओं से, वैसे ही वैसे इस संसार में ही बार बार भटकती रहेगी, 84 लाख योनियों के आपको कष्ट प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर उसके पूज्य पितामह को टक्कर मार करके मेड़ा आगे बढ़ गया। उधर उनके जो सेवक थे वो सारे सेवक शीतलोपचार में लगे रहे, चंदन आदि से उनको होश दिलवाया। उसके बाद देखा तो वो लड़का अपना मेड़ा लेकर के खिसक गया कि जब तक ये लोग हमें पकड़े तब तक यहाँ से पतली गली से निकल लो। इस प्रकार प्रद्युम्न ने अपने पितामह को गर्व रहित कर वहां से निकल गया, भग लिया। उसने पथ में एक भव्य प्रसाद देखा, एक होता है प्रसाद जो खाने वाला, एक होता है प्रासाद आकरंडा है, क्या है प्रासाद। प्रासाद को क्या बोलते हैं, महल को ही, बड़े भवन को प्रासाद बोलते हैं, बड़े बड़े महल प्रासाद, ठीक है। ये भी अच्छे अच्छे हिंदी के शब्द हैं, ग्रंथों से अपने को सीखने। क्या बोलते हैं भैया जी, प्रासाद माने बड़ा महल, बड़ा भवन, जहां पुत्र के विवाह का आयोजन हो रहा था। देखा कहीं शादी की तैयारियां चल रही हैं, है ना, बड़ी तैयारियां हो रही हैं, हलवाई लगे हुए हैं, है ना, मंजीरे बज रहे हैं, ढोल लगाड़े बज रहे हैं, फूल मालाएं सजाई जा रही हैं, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, कुछ विवाह का आयोजन सा लग रहा है। प्रद्युम्न ने अपनी फिर से कर्ण पिशाची विद्या से पूछा, जो कान में आकर के विद्या बता देती है कि भाई क्या है कौन है, जिज्ञासा करी, यह उत्तम महल किसका है, किसके पुत्र का विवाह हो रहा था उस नगर में। देखो आप लोग ज्ञानी हो गए, आप भी कर्ण पिशाची विद्या वाले बन गए, देखो स्वाध्याय से कितना फर्क पड़ता है। उत्तर आ गया सत्यभामा, तो उस बेचारे को क्यों नहीं पता था, उसको तो विद्या का इस्तेमाल करना पड़ रहा। उस विद्या ने उत्तर दिया, यह लोक प्रसिद्ध महल महारानी सत्यभामा का है। अभी तक क्या उसके परेशान किए थे, उद्यान, उसके बाद सरोवर, फिर वसुदेव को परेशान किया, अब तो सीधे सत्यभामा का महल ही दिख गया। हे भगवान, प्रद्युम्न ने विचार किया कि अपनी विमाता के प्रासाद का दर्शन अवश्य करना चाहिए।
विमाता माने अपनी ताई जी लगी, बड़ी माता अपनी माता रुक्मणी है, उसकी सौतन सत्यभामा है श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी, दोनों सौतन का आपस में मेल नहीं खाता है, इसलिए उनको परेशान करते हैं, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं कैसी दिखती हैं। उसने तत्काल ही एक चतुर्दश वर्षीय किशोर का सुंदर रूप धर लिया। 16 साल का तो था ही प्रद्युम्न, अब 14 साल का एक साधारण सुंदर मनुष्य का रूप अपना बना लिया विद्या से, एवं वेद पाठ का उच्चारण करता हुआ सत्यभामा के महल में पहुंच गया। वेदों का उच्चारण करता हुआ वहां सत्यभामा को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर विप्र रूपधारी कुमार ने कहा, ब्राह्मण का रूप धर लिया था, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप धरकर सत्यभामा को सिंहासन पर देख करके कहा, हे नारायण के मानसरोवर में निवास करने वाली राजहंसिनी, क्या बोला, चढ़ा दिया उसको। नारायण कौन है? श्री कृष्ण है। नारायण के मानसरोवर में निवास करने वाली, जैसे एक नारायण होते हैं ना भगवान को भी नारायण, उनका जो मानसरोवर है बहुत बड़ा सरोवर, उसमें हंसिनी जिस प्रकार से रहती है, वैसे ही यहाँ के नारायण श्री कृष्ण के द्वारका के महल में रहने वाली आप जैसी हंसनी, ऐसे ऐसे वाक्यों से चढ़ाए जाते हैं ना। विस्तृत पुण्य को धारण करने वाली सत्यभामा देवी, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, ऐसे आते हैं ना पंडित जी, जय हो जय हो। मैं कुलीन वंशो उत्पन्न विप्र कुमार इस समय क्षुदा से व्याकुल हूं, मैं अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मण हूँ, परंतु इस समय मुझे क्या लग रही है, क्षुदा माने भूख, भूख से मैं व्याकुल हूँ, कृपया मुझे मनोवांछित भोजन करवा दें, मेरे मन का कुछ भोजन करा दें। आपको बड़ा गरीब को, भूखे को, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो बड़ा आपको पुण्य लगेगा। उसका निवेदन सुनकर सत्यभामा कुछ मुस्कुराने लगी, अच्छा ऐसी बात है। उसी समय विवाह हेतु आमंत्रित अन्य विप्रगण भी सत्यभामा के प्रसाद में आ पहुंचे। भाई क्या होता है, विवाह होने वाला है तो ब्राह्मणों को सबको भोजन इत्यादि, जो भी गरीब लोग हैं नगर में सबको इनवाइट किया जाता है, राजा के पुत्र का विवाह है श्री कृष्ण के पुत्र का, तो ऐसा नहीं है कि खाली जिनको इन्विटेशन है वही आएंगे, इन्विटेशन वाले थोड़ा पर्सनल बैठक में अलग आते हैं, नगर में सबको भंडारा कराया जाता है, बड़ा कोई आयोजन होता है मंदिरों में इस प्रकार से, भाई राजा के पुत्र का विवाह है तो खाली राजा के जो दूसरे मंत्रीगण हैं, दूसरे राजा लोग आए, वही थोड़ी भोजन करेंगे, पूरी प्रजा भोजन करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य विप्रगण भी सत्यभामा के प्रासाद में आ पहुंचे। वे एक विप्र किशोर को भोजन की याचना करते हुए देखकर कहने लगे, अरे अभागे विप्र, और लोगों में क्या है, बहुत सारे पहले से बैठे थे, अब नया एक आदमी आ गया, क्या बोले, अरे अभागे विप्र, अरे तू अभागा ब्राह्मण, तू महारानी से भोजन की याचना करता है, ये जिस पर कृपा कर दे उसका तो भाग्योदय हो जाता है। अरे तू यहाँ आया है, खाली द्वारकाधीश की रानी है, तू खाली भोजन मांग रहा है, ये रानी तो इतनी दिल की बड़ी है कि इनसे जो मांग, बस आ जाओ उसका भाग्य का उदय हो जाता है, क्या तुच्छ चीज मांग रहा है, जैसा सदा तू रत्न सुवर्ण भूमि धन गोधन अथवा सुंदरी कन्याओं की याचना क्यों नहीं करता, यानी कि तू ये भी मांग लेगा, यहां पर आज इनके पुत्र का विवाह है तो ये सब भी तुझे मिल जाएगा, तू कितना भी सोना मांग ले, कितने भी रत्न मांग ले, भूमि मांग ले, राजा कितनी भी भूमि दे देंगे, अच्छा यहां से वहां तक की इतने एकड़ भूमि, इतने बीघा तेरी, पहले ऐसे ही करते थे राजा महाराजा,
जितने भी बड़े बड़े लोग, इतनी भूमि हमारी, इतनी ये, वो कैसे, कोई खरीदी थोड़ी है आपकी भी पीढ़ियों में, 10-20 पीढ़ी पीछे कोई खरीद के थोड़ी लाए हैं। राजा भी कौन सा खरीद के लाया था, जहाँ पर राज्य का उसका अधिकार है तो उसके जो खास सेवक होते हैं, खास लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग जो उसके आगे पीछे रहते हैं, तो उनको अच्छा इतने आधा, ये 10 गांव तुम्हारे, 50 गांव तुम्हारे, इस प्रकार से दे दिए जाते थे। उसके बाद उन गांवों में वो अपने अधिकार से सेवक रख के कार्य कराते हैं, खेती कराएं, कुछ भी कराएं, गौधन रखें, गौधन माने गाय इत्यादि का पालन पोषण, औषधियाँ, वृक्ष, बाग, कोई सारे गांवों में महल बनाने थोड़ी बैठ जाएंगे। तो फिर बाद में धीरे धीरे करके जब सरकारें आईं, सिस्टम चेंज हो गए, लोकतंत्र आ गया, तो थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो गई। जिनके पास पहले से बहुत संपदा थी, उसको सरकारों ने लूट लिया कि भाई एक एक व्यक्ति पे इतनी नहीं रहेगी, और लूट करके ऐसे ऐसे हाथों में दे दिया। उन बेचारों ने भी पुण्य तो था नहीं उनका, पुण्य से मिलती है चीज़ें, धर्म से मिलती हैं, उन्होंने भी आगे इधर उधर बेच दिया, शराब के नशे में, गलत आचरण में उन्होंने उस संपत्ति को खो दिया। कई जगह हमने सुना है कि भाई जो ज़्यादा कमाता है उससे धन लेकर के गरीबों में बांट दो, सब बराबर के हो जाए। अनादि काल से तीन काल में भी, तीन काल मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान में कोई भी राजा महाराजा आ जाए, कोई भी लोकतंत्र में भी कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, कितना भी प्रयास करे कि जिसके पास ज़्यादा धन है उससे सारा ले लो और गरीबों में बांट के, सब पूरे संसार में जितने लोग हैं सबके पास बराबर धन होना चाहिए, बराबर सुख होना चाहिए, ऐसा संभव है क्या? हो ही नहीं सकता। जैसे ही आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आया, अगर रुपए की, आपने उसको बांट दिया पीने वालों को, खाने वालों को, सट्टे में लगाने वालों को, वो खत्म कर देंगे। क्या उनके पास रहेगा? आपके पास रहेगा क्या? आपके पास दोबारा आ जाएगा? हाँ, आपके पास रहेगा। यही तो यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपने दान कर दिया, आपका धन नष्ट भी हो गया, आपके पुण्य से आप दोबारा ले लोगे अगले दिन। एक राजा का अगर उसको राज्य से उसका छेदन कर दिया किसी ने, आताताई ने आकर के, महाराणा प्रताप का दोबारा मिल गया। कितने भी बड़े से बड़े राजा अगर हुए हो, अगर उनको छल से किसी ने हरा दिया, दोबारा राजा बन जाएंगे। क्यों बन गए? उनके पास पुण्य है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास धर्म है, दोबारा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यदि आपने अपना सर्वस्व धन कहीं अच्छे कार्य में दान भी कर दिया, आपको पुण्य से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। दान करने से कभी भी लक्ष्मी समाप्त नहीं होती, ये नियम है ना। परंतु दान कैसा होना चाहिए? अभेदान, ज्ञान दान, औषध दान, आहार दान। सट्टे में लगा दिया धन तो नष्ट होगा या नहीं होगा, बताइए भाई साहब। शेयर में सट्टा ही माना जाता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट सट्टे का अंग्रेजी नाम है और कुछ नहीं। वह धन जुआ ही है, सप्त व्यसन है, वह दान नहीं है, ठीक है ना। वह तो नष्ट होने के लिए किया है, बुरे व्यसन है, बुराचार है, दुराचार है। दान का धन कभी भी नष्ट नहीं होगा। आपने 10 रुपया दान किया है तो 1 करोड़ रुपया आपको वापस आना ही आना है।
अगर इन चार दानों में किया है, ठीक है ना, जीव दया में, अभय दान, ज्ञान का दान पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं सम्यक ज्ञान, शास्त्र दान में आ गया, ज्ञान दान, औषध दान, किसी रोगी को औषधि दी, उसका जीवन बचाया, उत्तम मध्यम जघन्य के हिसाब से, जो रोगी है उसका चरित्र कैसा है, किसको बचा रहे हैं, आहार दान, कैसा भोजन कराया और किसको कराया, चिकन मार करके आपने, मुर्गा मार करके किसी को खिला दिया तो आहार दान नहीं है, शुद्ध भोजन कराया जिसमें कोई भी जीव हिंसा नहीं है, गुटखा इन भाई साहब को दान दे दिया तो वह आहार दान नहीं है, शराब किसी को दान दे दी तो आहार दान नहीं है, उससे तो उससे और विकार आएगा उसके मन में वचन में, तो ये वो अच्छा दान नहीं है। ऐसा आहार का दान देना जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो, उसका शरीर निरोगी हो, जिससे कि वह अपने धर्म में आगे बढ़े, ज्ञान में आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को आहार दान देना चाहिए, है ना, कि उस आहार को करके वो अपने धर्म को बढ़ाए, ऐसे नहीं कि वे आहार को करके वो किसी का जाकर के वध कराए, उसको भोजन मिला बलशाली हो गया, अब वह मूक प्राणियों को जाकर के मार रहा है, उनको कष्ट दे रहा है, उनको दुख दे रहा है, तो आपके आहार का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। सड़क पे आपको कोई गरीब आदमी मिला, आपको दिख रहा है वह गुटखा खाएगा, शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, आपने उसको 100 रुपये दे दिए उसके रोना देख करके, आपको पाप लगा या पुण्य लगा, पाप लगेगा बिल्कुल, शास्त्रों में लिखा है, मन से नहीं गए, 3 प्रकार दिए आहार दान के, उत्तम मध्यम और जगत, इसके बाहर यदि आप पापी को यदि आप दान देते हो, आपको पता है कि ये बहुत ही निकृष्ट पापी व्यक्ति है, अभी हमने इसको नहीं समझाया है, अगर आप इसको पैसे दोगे ये तुरंत जाएगा और शराब खरीदेगा, उसको दान ना दे, क्या दे, फल दे दे, अगर ज्यादा ही आपको दया आ रही है, भोजन दे दें, पैसा ना दे, शराब ना दे, शुद्ध रोटी दे दें, टिफिन दे दें अपना, है ना, कोई भी ऐसा अभक्ष पदार्थ दे दें जिससे कुछ देर के लिए उसकी भूख शांत हो जाए, परंतु ऐसी वस्तु कदापि ना दें। तो यहाँ पर प्रसंग आया है कि सत्यभामा के पास में वह ब्राह्मण पहुँचा है, अन्य ब्राह्मण क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो तुम कुछ भी ले लो तुम्हें मिल जाएगा, तो यदि आपको भी कभी भी आपके पास धन संपदा कुछ भी हो तो इन ग्रंथों के आश्रय से आपको सीखना है। आप मन में सोच रहे हैं कि मैं दया कर रहा हूं, परंतु वह दया धर्म सम्यक ज्ञान के साथ में कीजिए कि उस दया से आपको पाप ना लग जाए, ऐसे जीव के प्रति दया कीजिए जो जीव उस धन का दुरुपयोग ना करे, उस संपत्ति का दुरुपयोग ना करे, बहुत ध्यान रखना है, विवेक लगाना, इसलिए शरावक को क्या बोला, श्रद्धावान, वासे विवेकवान, कासे क्रियावान, विवेक जरूर रखना है। विप्रवेशधारी कुमार ने चतुर्दा से कहा, हे द्विजगण, आप सब मुझे मूर्ख क्यों कहते हो, मुझे मूर्ख मत कहो, संसार की समस्त निधियों की याचनाएं भोजन के लिए ही की जाती हैं, सबसे पहले पेट पूजा है, फिर रत्न लूंगा ना, रत्न को खाऊंगा थोड़ी, सोने को खाऊंगा थोड़ी, भूमि को, अभी तो पेट की व्यथा है, सारा धन संपत्ति व्यर्थ है, इसलिए मैंने महारानी से सर्वप्रथम भोजन की याचना की है। हे देवी सत्यभामा, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए मुझे भरपेट स्वादिष्ट भोजन करा दो, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, कि आपका पुत्र का अच्छा निर्विघ्न विवाह हो, तो सबको यही पता है ना, भानु कुमार की होने वाली पत्नी उदधि कुमारी रास्ते में है, चली आ रही है, सबको थोड़ी मालूम है आकाश में बैठी है, किडनैप हो गया है,
फलस्वरूप सत्यभामा भी प्रमुदित हो गई। उसने कहा चलो ये बाकी ब्राह्मण तो ऐसे ऐसे कह रहे, रत्न मांग ले, ये बच्चा कह रहा है कि भोजन, और खुश हो गई, कोई बात नहीं बेटा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस विवेकी द्विज कुमार को मेरी पाकशाला में ले जाकर इच्छा भर भोजन कराकर तृप्त कर दो। पाकशाला जो भोजन भोजनालय होता है वहाँ ले जाओ, जहाँ इतना लोगों के लिए भोजन बन रहा है, इसको भरपेट भोजन करा दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी खा लो। किंतु द्विज वेशधारी कुमार ने कहा, हे कल्याणी, मैं इन मूर्ख एवं नीच द्विजों के साथ भोजन नहीं करूंगा। ये तो आपके सेवक हैं, है ना, मैं इनके साथ भोजन नहीं करूंगा। अगर उसको थोड़ा सा घमंड आ गया, जो पाखंडी क्रियाहीन एवं वेद आदि से अनभिज्ञ हैं, उनके साथ भोजन करना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। मैं तो उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, तो मेरी तरह ब्राह्मण हो या वेदों का उनको ज्ञान हो। हे देवी, इन पतित द्विजों को भोजन कराने से तेरे अभिप्राय की क्या सिद्धि होगी। उसको और चढ़ा दिया कि देखो, इनके साथ में भोजन कराओगे, इनको भोजन कराओगे तो तेरा अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। सत्यभामा वाचाल द्विज किशोर की पतित की गर्वोक्ति सुनकर भी उत्फुल्ल हुई। कोई बात नहीं कि जो है इनके साथ में भोजन मत करो, तुम्हारे ब्राह्मण है जैसे जिसके नियम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने आदेश दिया, इस वेदज्ञ द्विज को आदर पूर्वक भोजन कराने के लिए लेकर जाओ। ठीक है ना, अच्छे से आदर पूर्वक कराओ, साथ में बैठ के मत करना, मतलब थोड़ा श्रेष्ठ ही है, ब्राह्मण है, इसको अच्छे से उच्चासन पे बिठा करके कहीं अच्छे से भोजन कराना, ऐसे नहीं पाकशाला में ले गए और अपने आप ध्यान से भोजन करवाए। थोड़ी सी उसने इंसल्ट मान ली ना अपनी, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, वहां जाकर द्विज वेशधारी कुमार अग्रगण्य आसन पर आसीन हो गया, उसको अच्छे से उच्चासन पर बिठाया। जब अन्य द्विजों ने उसे प्रधान आसन पर विराजमान देखा तो वे अत्यंत कुपित हुए। अब बाकी ब्राह्मण भी जो पुराने लोग बैठे थे वहां पर, उनने देखा कि इसने थोड़ा सा हट किया, इसको उच्चासन पर बिठा दिया और हम सारे नीचे पटियाला बैठे हैं, तो अब उनको आपस में लड़ाई हो गई। इतनी सी बात, वो गुस्सा हो गए, कुपित हो गए। उन्होंने कहा, यह तो बड़ा ही कलह प्रिय है, हमने तो इसको बस इतना कहा था कि रत्न वत्न मांग ले, ये तो हमारे ऊपर ही चढ़ गया, हम इतने पुराने लोग हैं और ये नया नया बालक आया है, ये तो लड़ाई करवा रहा फालतू में, कलह प्रिय है, ना तो इसकी जाति ज्ञात है और ना कुल, नया नया है, हमें तो मालूम नहीं ब्राह्मण है भी है कि नहीं है, ना तो हमें इसके कुल का पता, ना पहले इसे कभी देखा यहाँ पर, और ना जाति का पता, साथ ही गोत्र प्रवर आदि का भी निश्चय नहीं है, हमें इसके गोत्र भी नहीं पता, ऐसी स्थिति में इसके साथ भोजन कैसे किया जाए। अब आपस में लड़ाई हो, हम इसके साथ भोजन नहीं करेंगे। यह विचार कर वे द्विजगण अन्य भोजन कक्ष में चले गए। आप लोग इसे ही कराओ, इतना बड़ा महल है, हम तो दूसरे कमरे में जाके खाएंगे, हम नहीं बैठेंगे इसमें। किंतु वहां भी वही विप्र कुमार प्रधान आसन पर आसीन दृष्टिगोचर हुआ। विद्या से उसने क्या किया, अच्छा वहां जा रहे, कोई बात, वो सारे वहां पहुंचे, वो इधर से गायब होकर वहां आके बैठ गया, अब तो आपके साथ ही भोजन करूंगा, भागो, कहां जाते हो भाग करके। अब तो द्विजों के क्रोध का पारावार न रहा, वो क्या है, वो विनोदी है, कौतूहल करना है उसको, और कुछ नहीं है, है ना। प्रद्युम्न कुमार द्वारका में जाकर के सबको परेशान कर रहा है फिजूल में, अब उनको गुस्सा आ गया। उन सभी वेद विशारद विप्रों ने निश्चय किया, इसे अवश्य प्रताड़ित करना चाहिए, बहुत परेशान कर रहा है, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको प्रताड़ित करते हैं। यह विप्र द्वेषी है, यानी कि ये तो ब्राह्मणों का द्वेषी है, उल्टा ब्राह्मण के रूप में आ गया है, ये हमें परेशान कर रहा है, इधर से उधर भगा रहा है, इसका तो वध करने पर भी पाप का भागी
नहीं होना पड़ेगा। अगर हमने इसका वध भी कर दिया तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यह सच्चे ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है। विप्रों का ऐसा निश्चय सुनकर वह विप्र कुमार कहने लगा, उसने सुन लिया ये लोग मुझे मारने के चक्कर में हैं, हे विप्रो, तुम लोग तो वेदज्ञ बनते हो, तुम तो बड़े वेद वाले बनते हो कि वेदों में कहाँ मारना है, पर तुम में तो द्विजत्व के लक्षण कहाँ हैं? तुम्हारे अंदर ऐसे दया के द्विजत्व वाले लक्षण इत्यादि नहीं है। जिन व्यक्तियों द्वारा यज्ञ में अश्व, मनुष्य, राजा, माता पिता तक हवन कर दिए जाते हैं एवं वे उस दुष्कृत्य को पुण्य या धर्म कहकर व्याख्या करते हैं, उन्हें हम ब्रह्मज्ञानी कैसे कह सकते हैं? अब उसने उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाना शुरू किया, मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जब ये ब्राह्मण इत्यादि बने थे उस समय वेदों में कहीं कहीं पर एक अज शब्द का प्रयोग किया गया, अज की बलि आहुति देने का प्रयोग किया गया। तो अज का एक अर्थ होता है पुराना धान, धान या गेहूं इत्यादि पुरानी, तो उसकी आहुति, जैसे हम चावल इत्यादि चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, तो उसको यज्ञ में अर्पण कर। किसी निकृष्ट जीव ने उस अज का दूसरा अर्थ बकरा भी ले लिया कि अज माने बकरा भी होता है, तो द्वि अर्थ ही हो गया। अब उन्होंने उस शब्द का आश्रय लेकर के जिन लोगों को मांस आदि भक्षण करने का शौक था, तो ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने क्या करा कि जी बलि प्रथा शुरू करवा दी। अभी भी कई स्थानों पर जो लोग वेद के ज्यादा ज्ञानी हैं, ब्राह्मण इत्यादि हैं, वहां पर कई जगह देवी इत्यादि के मंदिरों में, है ना, मुस्लिम धर्म में तो बलि देते ही हैं, और ईसा मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन इत्यादि में भी मांस इत्यादि का भक्षण निषेध नहीं है, जो चर्च ईसा मसीह को मानते क्रिश्चियन लोग होते हैं वहाँ पर भी वे लोग मांस भक्षण करते हैं, खुद भी मार सकते हैं और उन्हें भी मारा है। तो कहीं कहीं वर्तमान समय में जो लोग शाकाहारी बन गए वे तो अच्छे ब्राह्मण हैं, और कहीं कहीं अभी भी कालांतर से जो प्रथा, एक गलत प्रथा शुरू हो गई थी, वह आज भी चली आ रही। तो यहाँ पर यही बात वह कह रहा है प्रद्युम्न उन ब्राह्मणों को कि तुम वेद का झूठा आश्रय लेकर के तुम यज्ञ में अश्व माने घोड़ों तक का हवन करवा देते हो, बलि दिलवा देते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी, यज्ञ चल रहा है, घोड़ों की आहुति दे, मनुष्य तक की आहुति तुम्हें अच्छी लगती है कि तुम्हारे को अगर ये इच्छा की पूर्ति करनी है, किसी ने यज्ञ कराया है तो कहीं से एक मनुष्य पकड़ के ले आओ, बालक ले आओ और उसको यज्ञ में बलि दे दो। राजा, माता पिता, स्वयं के माता पिता तक हवन कर दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है सारे लोग करते हों, परंतु आप उसका निषेध नहीं करते। बहुत सारे लोग अभी भी जो शमशान इत्यादि में विद्याओं की सिद्धि के लिए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से नर बलि दिलवा देते हैं, और बहुत सारे मूर्ख लोग दे भी आते हैं, एवं वे उस दुष्कृत्य को पुण्य या धर्म कहकर व्याख्या करते हैं। क्योंकि कालांतर में क्या हुआ, उस समय भी ऐसा हुआ है, तभी तो इस उल्लेख को करा है, राजा श्री कृष्ण के काल में भी वेद इत्यादि थे, परंतु जो लोग सम्यक दृष्टि हो गए, अरिहंत को मानने वाले हो गए, उनके अलावा कुछ लोग ये कर्म कांडों पर विश्वास रख करके, उन लोगों पर विश्वास करके इस प्रकार की बलियां देते थे, तो उनके लिए ये बात कही गई है, यह सभी ब्राह्मणों के लिए बात नहीं कही है, जो सुधर गए, जो शाकाहारी बन गए, और जो ब्राह्मण लोग बलि इत्यादि नहीं देते उनके लिए बात नहीं है, ये उस काल की अपेक्षा से उन लोगों के लिए है जो ऐसे निकृष्ट कार्य कर रहे थे। और वर्तमान में भी भले ही अपने को बहुत सारे लोग ब्राह्मण कहें,
यदि वह पशु बलि इत्यादि देते हैं, दिलवाते हैं, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है, वह दया रूपी धर्म को मानने वाले नहीं है, है ना। तो अब इसमें क्या कहा कि उसको पुण्य पाप कहकर आप धर्म की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, उन्हें हम ब्रह्म ज्ञानी कैसे कह सकते हैं। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान, ब्राह्मण जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्मा का ज्ञान है, सृष्टि का ज्ञान है, तो वह जीव जंतु जो निरीह प्राणी है वह क्या जीव नहीं है, वह क्या इस सृष्टि में नहीं आ रहे, जिनको आपने अपनी आत्मसिद्धि के लिए थोड़े से धन इत्यादि नाम इत्यादि के लिए आपने इनकी बलि दिलवा दी। आप स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कैसे कह सकते हैं जिस धर्म में मधु मध्य मांस को भक्ष बदलाया है, जहां कुपेय को पेय कहा जाता हो वह धर्म कैसा है। मध्य माने मदिरा, मधु माने शहद, शहद जो है मधु पूर्णतया अभक्ष है, इतने छोटे छोटे मधुमक्खी के जीव उनका भोजन चुरा करके खाए, उससे क्या आपके रोग दूर होंगे। चींटी ने बेचारे ने अपने लिए कहीं थोड़ा थोड़ा सा एक अगर भोजन इकट्ठा किया, उसको आप खा गए मान लीजिए, उस मधुमक्खी ने अपने लिए भोजन इकट्ठा किया था पूरा, अपने वर्षों लगा करके महीनों लगा करके कुछ बिगाड़ रही थी क्या उस छत्ते पे आपका, पेड़ों पे जंगलों में कहीं पर ऐसे निर्जन स्थानों पर वहां जाकर के आग लगा दी, उनको मार दिया, उनका भोजन चुरा करके ले आए। चार इंद्रिय जीव है वो भी, ठीक है, उससे क्या आपके रोग दूर होंगे, कोई रोग दूर नहीं होता, सिर्फ एक भ्रांति बनाई गई है, एक प्रचार किया गया है कि मांस खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा, अंडा खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपको कैल्शियम मिलेगा। क्या शाकाहारी वनस्पतियों में कमी रह गई है क्या, कि शहद में जो चीज आती है वह वस्तु आपको गन्ने में नहीं मिलेगी क्या, खजूर में नहीं मिलेगी क्या, आम में नहीं मिलेगी क्या, अंगूर में नहीं मिलेगी क्या, सैकड़ों मीठे फल हैं, एक छोड़ो, क्या रखा उस मधु में, कितना आपने बद्दुआ ली, पहले तो उनको मारा, उसके बाद मधुमक्खी का जो शहद है उसको शास्त्रों में वमन बोला, यानी वह मुंह से इकट्ठा करती है, वमन माने थूक, है ना। आप किसी का उड़ेला हुआ मनुष्य का थूक खा सकते हैं क्या, आम की गुठली भी खाते हैं ना दोबारा दोबारा चूस के, तो आपकी गुठली कोई दूसरा नहीं खा सकता, क्योंकि इसके मुख से निकली हुई है, उसके मुख से निकला हुआ शहद आप कितने चाव से खाते हैं, औषधि है, उसने ले जाकर अपने लिए इकट्ठे किया, तो उसको मधु को शास्त्रों में पूर्णतया अभक्ष बताया है, ग्रंथों में आया, एक बूंद शहद की खाने में जितना पाप का बंध होता है उतना सात गांव के जीवों को जीवित जलाने के समान पाप का बंध होता है एक बूंद शहद में, है ना। उसके इतने सारे विकल्प हैं, गुड़ की चाशनी बना के खा लो अगर कोई खांसी जुकाम हो गई है, ना बहुत सारी चीजें हैं सौंठ के साथ में वर्तमान में भी। तो मधु को खाना यहां पर पूरी तरह से अभक्ष बताया है, मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए, वो जीव तो उसका जीवन है, त्रियंच गति का जीव है, वह जीव तो क्या कर रहा है, वह जीव तो बेचारा चील है, कौवे हैं, है ना, शेर है, वो तो खा रहे हैं अपने जीव की, उनकी मजबूरी है। आप ये थोड़ी सोचोगे कि शेर अगर गाय खा रहा है या भेड़ खा रहा है या बकरा खा रहा है हिरण खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, आप मनुष्य हो, मनुष्यत्व रखो, है ना। हमने स्वामी अग्निवेश जी के साथ बहुत काम किया, लगभग 7-8 साल बहुत साथ में रह करके उनके,
वेदों के प्रकांड विद्वान, आर्य समाज के पूरे विश्व के प्रेसिडेंट अध्यक्ष, कई विदेश यात्राएं हमने उनके साथ में करी, रोज के साथ उठना बैठना, वेदों के ज्ञान, पूर्णतया शाकाहारी, टोटल कोई मधुमास मदरा का कोई चक्कर नहीं। और हर जगह एक पोस्टर देते थे, गाड़ियों पे लगवाते थे, एक छोटा सा केवल मनुष्य बनो, इसके अलावा कुछ नहीं, एक शब्द में सारी बातें, मनुष्य बनो, मनुष्य को बता रहे मनुष्य बनो बस, पशु मत बनो, वही गाड़ी के पीछे लिखवाते थे, मनुष्य भाव, मनुष्य बनो, एक शब्द में कितनी बात छुपी हुई है कि अरे वो चील खा रही है अगर मांस, शेर खा रहा है, मनुष्य तो नहीं खा रहा, मनुष्य बनो। वेदों में जो अच्छी बातें लिखी हैं, एक दूसरा शब्द लिखते थे वेदों की ओर चलो, वेदों में अच्छी बातें भी तो लिखी हैं, कहीं नहीं लिखा उसका शब्द का अनर्थ करा गया है, हमने बताया ना अज शब्द को पर्यायवाची शब्द में प्रयुक्त किया गया, अजमाने बकरा भी है, अजमाने धान भी है ना। अब ग्रंथों में जैसे आया प्रासाद आया, बहुत सारे शब्द आते हैं, तो उनको आपने अपने हिसाब से परिवर्तन कर दिया। अभी कुछ वर्ष पहले नेपाल में गदीमई फेस्टिवल बनाया गया, नेपाल में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, गदीमई फेस्टिवल में क्या मनाया, पूरे महीने महीनों तक करोड़ों भैंसे बकरे जीवित मार बलि दी जाएगी। क्यों बलि दे रहे हैं कि भाई एक उंगली कटी थी किसी की तो खून निकला था, वो पंडित बन गए वहाँ के मंदिर की गदीमई देवी के, उन्होंने वो मांस खाते थे पंडित जी, जेल से छूट गए, ऐसी देवी की उन्होंने कृपा बताई, अफवाह फैलाई कि देवी ने छुड़वाया, देवी मांस मांगती है, देवी को खून चाहिए, जेल से छूटने के लिए उन्होंने जो है एक रचा ये बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र, गदीमई मंदिर का इंचार्ज बना दिया उनको, हर 3 साल में लाखों करोड़ों के पूरा आधा नेपाल देश छोड़ के भागता है 3 महीने के लिए, कि रह नहीं सकते वहां पर, इतनी दुर्गंध, इतने भैंसे, इतनी गाय, इतने जने क्या क्या मार डालते, बस मारा फेंका कि 6 महीने तक इतनी दुर्गंध हो जाती है, इतनी बीमारियां फैल जाती हैं कि उसके बाद जब 3 साल पहले जैसे ही उन्होंने ये कांड किया, करते ही अब उनकी इतनी चीत्कार है, इतने त्रियंच गति के पशुओं की, इतना बुरी तरह वहां पर भूकंप आया, धरती हिल गई उस स्थान पर, 3 साल पहले भूकंप आया था ना नेपाल में, उसके बाद हर 3 साल में कर रहे हैं गदीमई फेस्टिवल। तो ऐसे लोग अब वो क्या है, ब्राह्मण थोड़ी है जो हिंसा में पुण्य मान रहे हैं, लोगों को पब्लिक को क्या है जानकारी नहीं है, जनता मूर्ख है, उसको समझा दिया कि तेरे बच्चा हो जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तुझे पुण्य मिलेगा, देवी प्रसन्न हो जाएगी, कुछ देवी प्रसन्न नहीं होती है, अपने पुण्य और पाप से ही सारा आपको अगला जन्म मिलता है। तो यहां पर वह प्रद्युम्न कुमार उन ब्राह्मणों को इस प्रकार से समझा रहा है, हो सकता है उनमें कुछ अच्छे लोग भी हों, परंतु एक सामान्यतः जो प्रचलन उस समय चल रहा होगा कि मधु मांस और मदिरा, मदिरा बहुत सारे शाकाहारी लोग, बताओ अब तो जैन धर्म को मानने वाले भी शर्म आती है, कहा नहीं जाता शराब पीते, जैन धर्म कर्म प्रधान धर्म है ना। अभी हम परीक्षा मुख सूत्र और माणिक्य नंदी का अनेकान सर द्वारा रचित प्रमेय कमल मार्तंड सार पढ़ रहे हैं, तो 2 दिन पहले प्रसंग आया कि कर्म प्रधान है ये चारों जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, जन्म प्रधान नहीं है, जैसा कर्म करोगे उसके प्रधान है, साफ साफ लिखा है ना। एक आचार्य महाराज ने शूद्रों को दीक्षा दे दी, प्रसंग आया है परमेकरण महाप्रसन्न में उसकी प्रस्तावना में, कर्म प्रधान के कारण कि उन्होंने अपना धर्म जो है कर्म ऐसे थे उस शूद्र के कि उसको मुनि दीक्षा तक मिली,
इतना उस मानने वाला था ना, ऐसा थोड़ी अशूद्रों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। पूरा प्रसंग आया है ना, तो कर्म प्रधान है। फिर उन्होंने बताया वहां पर कि किस प्रकार से कोई बुराई नहीं है, ऐसे ही कर्म प्रधान है। ब्राह्मण अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो कर्म करेगा, ये नहीं है कि अगर हिंसा कर रहा है तो तब भी वह ब्राह्मण रहेगा। क्षत्रिय यदि मांस खा रहा है तो वह क्षत्रिय नहीं है, जीव हिंसा यदि कर रहा है। ठीक है, यहां क्या कहा कि वहां पर उसने कि मधु मांस मदिरा को अगर भक्ष्य बतलाया है, किसी ने हेर फेर कर दिया कुरान में, अगर हेर फेर कर दिया, बहुत जगह किया है ना, इसलिए उसके चक्कर में लोग बलियां दे रहे हैं। जहां कुपे कुपे कहा जाता हो, अब एक मंदिर हमने देखा भैरव बाबा का, जबरदस्ती भगवान को बदनाम कर दिया कि भगवान पी रहे हैं तो हम भी पियेंगे। इंडिया गेट के पास है, लाइन लग रही है शराब पिलाने के लिए भगवान को मंदिर में। अरे विवेक लगाइए, है ना, खुद भी पी रहे हैं, कौन पिलाने जाएगा भगवान को बताइए, जो खुद भी पीता है। चलो भगवान भी पी रहे हैं, मैं भी डेली पीऊंगा, हर हफ्ते की हफ्ते जाते हैं लाइन लगा के। बाहर भिखारी भी जो बैठे हैं, गिलास ले लेके बैठे हैं, बर्तन लेके नहीं बैठे हैं। गए हो आप में से कोई है, सुना है, यही है दिल्ली में बहुत बड़ा मंदिर, आपने देखा गिलास लेके क्यों बैठे हैं लाइन से सैकड़ों हजारों बाहर भिखारी। पूछा उनसे एक बार, वहां पर सामने एक शिविर लगा था प्रगति मैदान में, तो वहां गए थे, प्रगति मैदान तो बाहर निकले, गाड़ी की पार्किंग थी वहीं भैरव बाबा के मंदिर के बगल में, देखा लाइन लगा के गिलास लेके क्यों बैठे हैं, ये क्या मामला है कि अंदर जाएंगे थोड़ी सी अंदर चढ़ाएंगे, बची हुई सारी भिखारियों को देंगे, क्या करोगे। वो दान है क्या, अभी बताया ना चार दान, क्या वह शराब का दान दान है क्या, वो भी निम्न गति में जाएंगे और आप भी निम्न गति में जाओगे। विवेक लगाओ, कुपात्रों को ध्यान देना और कुवस्तु का दान देना, अभक्ष वस्तु का दान देना, दोनों चीज आपको निम्न गति में ले जाएगी, अच्छी गति में लेके नहीं जाएगी। अपना कल्याण करो, दूसरा व्यक्ति शराब मांग रहा है उसे शराब दे करके खुश कर दोगे, अपना तो कल्याण की जगह कहाँ जाओगे, कह रहे मांग रहा था दे दी, क्या दिक्कत है, कभी मत दो। चलिए आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी से ये पैराग्राफ पूरा करते हैं। जिस धर्म में मधु मांस मदिरा को भक्ष्य बतलाया गया हो, जहां कुपेय को पेय कहा जाता हो, वह धर्म कैसा है। शराब को यदि पेय पदार्थ बता दिया, भांग को, शराब को, है ना, ड्रग्स को, है ना, तो वो पेय नहीं है। विप्र कुमार के ऐसे कटु वचनों से समस्त द्विज कुपित हो गए। हो सकता है कुछ लोग नहीं भी करते हो, कुछ लोग करते हो, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस क्रियाकांड विरोधी द्विज की हत्या कर डालो। ये तो क्रियाकांड का विरोधी है, क्योंकि ऐसे धर्म विरोधी दुष्ट का वध कर डालने में रंच मात्र भी पाप का बंद नहीं होगा। अब तो इसके पाप का हमें बंद नहीं होगा। कई लोग करते हैं ना, ईद पे मान लीजिए बलिया तेरी, अगर कोई ज्यादा बोलता है तो सारे घेर करके, ये तो दूसरे धर्म का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रोध से उन्मक्त वे द्विजगण तब कुमार की ओर झपट पड़े, सारे की सारे उसके ऊपर झपट पड़े। खाना पीना तो छोड़ा, बाद में खाएंगे, पहले इसको निपटाएं। प्रद्युम्न ने जब देखा कि ये द्विजगण तो वास्तव में उसका प्राण नाश करने को तत्पर है, अब तो जान बचाना बड़ा मुश्किल है, तब उसने अपनी विद्या की सहायता से उन्हें परस्पर लड़वा दिया। क्या करा, कई लोग करते हैं ना, लड़ाइयाँ हो रही है, नीचे घुस के निकल जाते हैं, मारो 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 मारो, पता ही नहीं कौन किसको मार रहा है, वो गायब हो गया, वो सब एक दूसरे को पीटने लग गए, वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार वे मूढ़ अपनी खोटी करनी के फलस्वरूप धराशायी हो गए। सारे की सारे, हाय कहाँ गया वो जिसने लड़वाया, सब एक दूसरे को मार रहे हैं। यही राजनीति है। राजनीति में क्या करता है, एक नेता स्टेज पे आकर के
दूसरे के बारे में खूब चढ़ाता है दूसरा नेता, उसके बारे में जितने कार्यकर्ता है नीचे जाकर के सड़कों पे इसे मारा उसे मारा, इसे आग लगाई उसे आग लगाई, पता चला दोनों नेता एक दूसरे के समधी बन गए, विवाह करवा लिया अपने बेटे बहू का, है ना, दोनों एक दूसरे की शादी ब्याह में जा रहे हैं, बढ़िया से गले मिल रहे हैं, दोनों नेता बन गए, तू नेता तू विपक्ष का नेता, दोनों रोज एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पब्लिक लड़ रही है। तो ये यहाँ से चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, कभी भी किसी भी नेता के कहने में या किसी ऐसे व्यक्ति के कहने में अपना विवेक मत खो देना, है ना। करते ना आजकल वहाँ नहीं लड़ते तो फेसबुक पे सुनाए लड़ते हैं, व्हाट्सएप पे लड़ते हैं, दोस्ती बीसियों सालों की खत्म कर देते हैं, परिवार में द्वेष आ जाता है, क्यों, तू बीजेपी वाला है, तू कांग्रेस वाला है, तू इस पार्टी का है उस पार्टी का है, तू हमारी पार्टी का नहीं, हम तेरे से बातचीत बंद कर देते हैं। पता चला इलेक्शन के बाद ऐसे ही यहाँ हुआ, प्रद्युम्न कुमार निकल गए, दोनों ब्राह्मण लड़ पड़े, साथ में खाना खा रहे थे पहले। चलिए आज का स्वाध्याय ही पूरा करते हैं, आनंद के साथ में आप लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र को पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग ज्ञान भी आपको इसके साथ में मिल रहा है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। शराब तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं पीते, मधु शायद खाते होंगे या आपके परिवार में लोग, तो उसके विकल्प उनको बताइएगा कि उसके बिना भी आपका जीवन यापन हो सकता है, और मांस भक्षण से भी आप लोग दूर रहिएगा, यदि अंडा गलती से खाते हैं तो उससे भी दूर रहिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के रक्षाबंधन पर्व की आपको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, श्री हंसनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की भी बधाइयाँ। जय बोले प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, महावीर भगवान की। अब सभी लोग जिनवाणी की स्तुति करेंगे मिलकर के।